Assalamualaikum beautifuls, how are you today? Do let me know in the comment section that how are you doing today? तो देखने में जी जितना आसान लग रहा है ये हेयर ट्यूटोरियल, इसमें थोड़ा सा ट्रिक है जो इसको नीट करने के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल रह सकता है. सो इफ यू आर लुकिंग समथिंग लाइक दिस, हाउ टू मेक दिस काइंड ऑफ हेयर ट्यूटोरियल, देन लेट्स स्टार्ट द वीडियो. आपने हेयर जूड़ा बनाना है, आपने कोशिश करनी है कि आपके बाल जो हों वो थोड़े से स्ट्रेट हों, तो वो नीटनेस जो है ना वो ज़्यादा अच्छी आती है. तो जब आप बाल स्ट्रेट कर लेते हैं उससे आपके बालों में एक नेचुरल शाइन आ जाती है जो जूड़ा बनाने के लिए बहुत खूबसूरत लगती है. तो जब भी आपने अपना कोई भी जूड़ा या किसी का बनाना है तो कोशिश करें बालों को हल्का सा स्ट्रेटन कर लें, क्योंकि उससे बालों में एक शाइन आ जाती है. उसके बाद आपने पहले हम फ्रंट सेक्शन बनाएंगे, जिसमें से हमने एक फ्रंट पार्ट से ले लिया और उसको हमने सिंपल ट्विस्ट कर दिया, और उसके बाद हमने थोड़े थोड़े बाल जो है उसके पुल करके, तो आप पीछे अपने जहां आपने बैकुमिन की है वहां पर आप इसको पिन कर सकते हैं. बैकुमिन के लिए इस तरह के प्रॉप्स जो है वो बहुत हैंडी रहते हैं, आपके बालों को ज़्यादा नुकसान नहीं करते, प्लस एवरी टाइम यू गेट एन इक्वल अमाउंट ऑफ हेयर पुफ, तो बहुत कन्वीनियंट रहता है. ना कभी बहुत छोटा बनता है और ना कभी बहुत बड़ा बन जाता है, ना ही बबली होता है, ना कभी कहीं से बड़ा कहीं से छोटा. एवरी टाइम यू गेट एन इक्वल अमाउंट ऑफ हेयर पुफ फ्रॉम एवरीथिंग, तो जो बहुत नीट है, बहुत कन्वीनियंट है और इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव, और फिर रीयूज हो रहा होता है तो इसलिए और भी ज़्यादा फायदेमंद हो जाता है. चलिए जी, हम इसी तरह फ्रंट सेक्शन से बाल उठाएंगे और उसको हल्का हल्का ट्विस्ट करके तो उसमें से पुल करते जाएंगे, साथ साथ बालों को हेयर स्प्रे करते जाएगा तो वो उसी तरह नीटली सेट हो जाएंगे. चलिए जी, हमने साइड मांग से शुरू किया था, अब इसी तरह इसको मिडल पार्टन से भी इस हेयर स्टाइल को बना सकते हैं. तो साइड पार्टन्स वाले हेयर्स जो होते हैं वो ज़्यादातर वलीमे के लिए ज़्यादा बेहतर रहते हैं, और मिडल पार्टन जब आपने बिंदी वगैरह लगानी होती है तो ऐसा हेयर स्टाइल जो है वो मेहंदी और बारात के लिए बहुत कन्वीनियंट रहता है. इट्स टोटली अप टू यू, आपको जिस तरह का हेयर स्टाइल सूट करता है आप उस तरह डेफिनेटली बना सकते हैं. इट्स जस्ट एन आइडिया कि अगर आपके बालों को पर साइड मांग भी अच्छी लगती है और मिडिल पार्टन भी अच्छी लगती है. चलो जी, हमने ये एक साइड कंप्लीट कर ली है, अब हम इसको दूसरी साइड से बनाना शुरू करेंगे. और इसी तरह आप चाहे तो इसके दो सेक्शन कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको एक ही सेक्शन में बना सकते हैं. बालों को आपने हल्का सा ट्विस्ट कर लेना है, उसको फिर उसके पुल करते जाना है और साथ साथ आपने हेयर स्प्रे ज़रूर करते जाना है. उसके बाद आपने बालों को इसी तरह नीचे तक लेते जाना है. अब आपने दूसरी तरफ लाकर बालों को उसको हल्का सा गोल कर लेना, यानी कि जो उसकी टेल है वो छुप जाए, और पिन करके बालों को अंदर की तरफ जो है वो पिन करते जाना है. इसी तरह अब आपने लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट चलना है, यानी कि जब आपके फ्रंट सेक्शन कंप्लीट हो जाए तो बैक पार्टिन से जितने भी बाल रह जाएंगे आपने उसमें से एक दफ़ा राइट से उठाना है और दूसरी दफ़ा लेफ्ट से उठाना है. लेकिन जो अब ट्रिक की बात अब आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कि जो नीचे के बाल आपके रह जाते हैं उसको आपने हल्का सा बैकमिन कर लेना है और उसको अच्छी तरह हेयर स्प्रे कर लेना है, ताकि वो बाल हमारे पास एक बॉडी की तरह जो है वो रह जाए. अच्छा, ये बाल हमारे पास एक प्लेटफॉर्म का काम करेंगे जिसके ऊपर हमने लेफ्ट राइट बालों को ट्विस्ट करना है, फिर उसको हल्का पुल करना है, और हमने इसके ऊपर ही एक राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट जो है ना बारी बारी हमने बालों को अप्लाई करते जाना है, जूड़ा जो है वो बन जाएगा. क्योंकि जब आपके पास एक बॉडी नहीं होगी, एक प्लेटफॉर्म नहीं होगा जहाँ पर आपने बालों को पिन अप करना होगा, तो फिर बाल जो है वो आपके कहाँ जाएंगे. तो अब आपने कोशिश करनी है कि छोटे सेक्शन से उठाना है और उसको आपने नीट करते जाना है, साथ साथ फिर ट्विस्ट करना है, पुल करना है, हेयर स्प्रे करना है, और दूसरी तरफ आपने बालों को हल्का सा जो नीचे की टेल रह जाती है उसको गोल करके आपने पिन करते जाना है. अब आपने पिंस जो है वो छोटी यूज़ करनी है, बहुत बड़ी पिंस नहीं यूज़ करनी. यहाँ पर जुड़े वाली पिंस भी नहीं काम करेंगी, आपके पास बॉबी पिंस होनी चाहिए या आपके पास ब्रीक ब्लैक पिंस होनी चाहिए जो बालों को सिक्योर तो करेंगी लेकिन बहुत ज़्यादा बालों को अंदर की तरफ पुल पुश नहीं करना है, क्योंकि जब आप बहुत बड़ी पिने लगाएंगे तो वो फिर दोनों तरफ बालों में चुभेंगे, आपको अनकंफर्टेबल रहेगा. अब आपके टोटली बालों की लेंथ पर डिपेंड करता है कि आपने कितने आपके बाल हैं और आपने इसको किस तरह बनाना है. बाकी इस तरह के हेयर स्टाइल जो है वो आप साइड पार्टीशन में भी कर सकते हैं. साइड पार्टीशन से मतलब है मेरा कि आप
चुटिया को अपने शोल्डर की तरफ ले आएं और उस तरफ आप अपने बालों को बनाकर जो है साइड पर आप बालों को उसी तरह साइड पोनी की तरह आप इसको बना सकते हैं। अब ये जो इस तरह का जूड़ा है, ना ये हेयर पोनी है, ना जूड़ा है और ना ही ये किसी किस्म की ब्रेड है, लेकिन ये एक डिफरेंट तरह का इनोवेटिव हेयर स्टाइल है जो आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आपने करना क्या है जी, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है फॉर मोर ऑफ दिस फन वीडियोस। बाकी इसके साथ आपके साथ एंड पे और भी तरह के बहुत से खूबसूरत हेयर स्टाइल ट्यूटोरियल्स शेयर कर रही हूँ, आई होप आपको बहुत पसंद आएंगे। चलो जी, जब हमने जाना है जी एंड पर, जब बाल बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं तो आपने वहाँ बनानी है जी एक फ्रेंच टेल और उसको आपने हल्का सा फ्लैटन कर लेना है ताकि हमें थोड़ा सा एक एंड पे प्लेटफॉर्म टाइप मिल जाए जिस पर हम अपने बाल जो है वो राइट से लेफ्ट जो है वो ट्विस्ट करके अप्लाई कर सकेंगे, क्योंकि अब बाल नीचे जब जितने पतले रह जाते हैं उन बालों को पिन करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और उनको नीचे एंड तक लेके जाना ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इस तरह की जब आप नीचे पोनी कर लेते हैं तो बाल जो है वो आपके पास एक फ्लैटन सी चीज़ आ जाती है, जगह आ जाती है जहाँ पर आप ऊपर से बालों को ट्विस्ट करके जो है वो एंड तक आप अपने जो हेयर स्टाइल है वो कंप्लीट कर सकते हैं। सो आई होप आपका ट्यूटोरियल, आज का ट्यूटोरियल आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो दिस इज माई होल वीडियो, होप यू लाइक माई वीडियो, लाइक देन डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी इन माई नेक्स्ट वीडियो, एंटिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड द लव वंस अराउंड यू, एंड बिफोर यू लीव यू कैन चेक आउट ऑल दीज अदर वीडियोज दैट आई हैव शेयर्ड बिफोर, एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, अल्लाह हाफिज़।